हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, जी हाँ, UPSI दरोगा भर्ती जल्द आएगी। जी हाँ, कोर्ट में डाली गई है रिट, सुनवाई जल्द होगी। विज्ञापन 2020 में जारी होगा, कोर्ट ने जवाब मांगा सरकार से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश SI दरोगा भर्ती परीक्षा में नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खबर है, एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। जी हाँ, जो लोग 2019 में इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनको तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट में रिट डाली गई है और कोर्ट ने 2021 की डेट दी है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर डिटेल्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दरोगा भर्ती के लिए पद घोषित करने की दाखिल की गई है याचिका। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रयागराज पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों यानी कि SI की भर्ती के लिए पद घोषित किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुमित सिंह और अमन मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वह पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल 3200 पद पर विज्ञप्ति जारी करेगी, लेकिन ये भी कहा गया है कि यहाँ पे मगर 2016 के बाद कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकाला गया है। याचिका पर सुनवाई कर रहे, तो यहाँ पे देखिए, सुमित सिंह और अमन मिश्र ने याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था कि वह 3200 पद हर साल विज्ञापित करेगा, जिसमें सुनवाई कर रहे हैं न्यायमूर्ति PKS बघेल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने अगली सुनवाई पर पुलिस भर्ती बोर्ड के किसी जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। जी हाँ, जिम्मेदार अधिकारी को अगली सुनवाई में अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बाबत जानकारी दे सके। जी हाँ, जिससे कि वह सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश था वह अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रख सके कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने और क्या आगे की प्रक्रिया है तथा इनकी रुचि क्या है, कब तक अगला विज्ञापन जारी होगा। ये सारी चीज़ें हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 2020 की होगी। तो यहाँ पे देखिए, याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी 2020 में होगी, यानी कि 2019 दिसंबर में जो विज्ञापन आने की उम्मीद थी, अब वो उम्मीद लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि अगली सुनवाई को हाई कोर्ट में 10 जनवरी 2020 को है। तो अब यहाँ से तगड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लगा है जिनको उम्मीद थी कि 2020 में या 2019 में ही ये भर्ती UPSI की आएगी, अभी ये भर्ती 2020 में ही आएगी। हो सकता है कि सुनवाई 10 जनवरी 15 जनवरी, तो ये विज्ञापन अब फरवरी 2019 में 2020 में ही जारी होने की उम्मीद है। तो उन अभ्यर्थियों को इस रिट की वजह से तगड़ा झटका लगा है और देरी होगी भर्ती में, जो सुमित सिंह और अमन मिश्र ने दाखिल की है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सरकार की रणनीति हो सकती है, ये सरकार की चाल भी हो सकती है भर्ती को देर करने में, भर्ती निकालने में देरी करने में। जी हाँ, क्योंकि रिट दायर करने से सरकार के पास एक बहाना हो जाएगा कि ये मैटर कोर्ट में है, कोर्ट से मैटर शांत होगा तब हम विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये तगड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगा है, वहीं सरकार के लिए ये राहत की खबर है कि वो कोर्ट में याचिका दायर होने से अब उन्हें जनवरी तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस भर्ती से संबंधित। तो ये रही बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।